कुंडलिनी शक्ति को जब डिफाइन किया जाता है तो इसको सबसे आसान भाषा में इन सात चक्रों के माध्यम से समझा जा सकता है। और जैसे जैसे कोई इंसान इसके चक्र के लेवल को अचीव करता जाता है, वैसे वैसे ही उसकी ताकत और पावर बढ़ती जाती है। इससे पिछले वीडियो में हम कुंडलिनी शक्ति के पहले चक्र मूलाधार चक्र के बारे में जान चुके हैं और आज जानेंगे दूसरे नंबर के चक्र सैक्रल चक्र, जिन्हें स्वाधिष्ठान चक्र भी कहते हैं। और इस चक्र का स्थान आपके शरीर की नाभि के जस्ट 2 इंच नीचे होता है और यह चक्र आपकी सेक्सुअलिटी एंड आपकी क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से पार होके स्वाधिष्ठान चक्र में आती है, तब उस समय इंसान के शरीर में अजीब सी परिस्थितियाँ घटने लगती है। अगर इंसान अपने अपोजिट जेंडर को देखता है तो उसके मन में सेक्सुअलिटी के विचार आने लगते हैं, और उसी समय इंसान अगर सेक्सुअलिटी से अपना ध्यान हटा लेता है तो वही ध्यान क्रिएटिविटी में बदलने लगता है। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये सैक्रल चक्र सेक्सुअलिटी एंड क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर आप लड़के हो और लड़की को देखकर आपके मन में काम वासना का विचार आता है और उसी काम वासना के विचार को हटा देते हो तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आने लगता है। देखिए, यह सैक्रल चक्र बैलेंस और इनबैलेंस इस तरह से होता है। जब कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी मूलाधार चक्र से पार होके स्वाधिष्ठान चक्र में आती है, तब ऊर्जा की प्रवाह 2 चीजों में बंटने लगती है, एक है सेक्सुअलिटी की तरफ और दूसरा क्रिएटिविटी की तरफ। अगर आपका ध्यान सेक्सुअलिटी की तरफ जाता है और आपको किसी नशे वगैरह की लत लग जाती है या भोग संभोग या हस्त मैथुन का शिकार हो जाते हैं, तब यह चक्र इनबैलेंस होने लगता है। सेक्सुअलिटी एंड नशा भी एक सीमित तौर पर ठीक है, पर इसकी लत लग जाना ये ठीक नहीं है, और यही कारण से आपकी सैक्रल चक्र इनबैलेंस होने लगता है। और जो कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी सैक्रल चक्र पर आई होती है, वही एनर्जी धीरे धीरे मूलाधार चक्र से भी नीचे हो जाता है। और वही अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी सैक्रल चक्र पर आती है और आप सेक्सुअलिटी की तरफ ध्यान नहीं देते तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर क्रिएटिविटी आने लगती है। मतलब आपकी कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा सैक्रल चक्र पर आती है और आप पशु वाला काम नहीं करते, जैसे भोग संभोग या नशे की लत, यानी ये सब चीजों से आप दूर होते हो, तो आपकी सैक्रल चक्र बैलेंस होता है। और बैलेंस होने के साथ साथ आपकी कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। मतलब अगर आपके मन में सेक्सुअलिटी के ख्याल बार बार आते हैं या लत है तो यह सैक्रल चक्र इनबैलेंस है। जब इंसान की सैक्रल चक्र इनबैलेंस होता है तो उस इंसान के अंदर बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है और साथ में शरीर भी कमजोर होने लगता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के विपरीत आप वीर्य का नाश का काम करते हैं। और अगर आपकी शरीर कमजोर होगा तो ऑफ कोर्स आपकी मूलाधार चक्र भी इनबैलेंस होगा। अब आप ही सोचो, अगर इंसान की दोनों चक्र इनबैलेंस होगा तो इंसान की क्या हालत होता होगा। स्वाधिष्ठान चक्र की इनबैलेंस की वजह से मानसिक प्रॉब्लम एंड मूलाधार चक्र की इनबैलेंस की वजह से शारीरिक प्रॉब्लम। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए आप अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, अच्छे अच्छे किताबें जैसे आध्यात्मिक किताबों को पढ़ें, अपने आप को अपने लक्ष्य को पाने के लिए व्यस्त रखें और अपने प्रति ईमानदार रहें। निश्चित तौर पे ये सब आप करोगे तो आपकी स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित यानी बैलेंस हो जाएगा। और जब आपकी स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस हो जाएगा तो आपको भी जीवन बहुत अच्छा लगने लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ, मैं भी जिंदा हूँ, और आपको फ्रीडम महसूस होगा। और रही बात इस चक्र को जागृत करने की, तो इसके लिए आप वम मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के जो आइकन है उसको क्लिक कीजिए।